बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने हैं। अभी जो है हम अपनी भैंसों को पानी पिला रहे हैं। भैंसों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी, प्यास लगी हुई थी, तो इसलिए हम चारा हमने पहले काट के रखा हुआ है, तो पहले हम इनको पानी पिलाएंगे। फाइका क्या कर रही हो? इधर आओ फजर। फजर और फाइका भी मेरे साथ साथ ही हैं दोनों। छी छी क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है, तो मैंने काफी साथ में इसको नहला भी लेते हैं। वैसे दो टाइम इनको नहलाते हैं, सुबह और दोपहर के टाइम, लेकिन इनको पहले नहला के बांधा था। देखो कितनी आराम से खड़ी हुई है, क्योंकि गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है इसलिए। अभी इसने पानी पीना शुरू कर दिया है। पानी पीने के बाद सारी भैंसों को जो है ना चारे का इंतजार था, तो वो भी इनको टोका डाल देती हैं। अभी जो है इनके जो नीचे गोबर है उनको हटा लेते हैं, क्योंकि मैंने इनको नहलाया और ये दोबारा फिर से गंदी हो जाएंगी। ये मारती बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ऐसी भैंसें होती हैं जो बंदे को मारती हैं, लेकिन ये नहीं मारती। इनकी सफाई नीचे से इस तरह से कर लेते हैं। रात को हम है क्योंकि मच्छर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम जो गोहा है, जो खुश्क गोहा होता है, उसको इकट्ठा करके उसको आग लगा देते हैं, फिर वो धुआँ जो है वो उठता रहता है और फिर मच्छर जो है वो ऊपर नहीं बैठता, वरना तो ये चारा भी नहीं खा सकते। बैठो बैठो बैठो।
भैंसों का काम कर रही थी और हुजैफा जो है इधर बट्टल में झूले ले रहा है, ये देख ये डरता भी है कहीं गिर ना जाऊं। खड़े हो जाओ हुजैफा, गर्मी काफी ज्यादा है तो इसलिए इसने कमीज जो है हर वक्त ये उतार फिरता है क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा होती है। वैसे इसको हमने नहलाया, पारी करो मामा की है, वो चारा डाल दी है बटली में, पता नहीं किस चीज को डालने जा रही है। पाइका किसको चारा डालना? भूमो को। अच्छा ले आओ ले आओ, बस करो बस कर, सिर तो रख ला बस। तो फाइका जो है इनके लिए चारा लेके आई है, इनके जो बछड़े हैं, जो जो काम हम करते हैं हमारे बच्चों को भी शौक होता है उनको करने का। क्या है ये बच्चा? है ये क्या है? बच्चा बच्चा है, धुम्मू है, धुम्मू धुम्मू है। ये छोटी छोटी कटी